नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीएन 9 और मैं हूं कल्याणी महाजन आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। ये जो परिवार वाले शादी में गए थे, किसी के सूचना मिली थी, क्या घटना स्थल? ये करीब शाम को 7 बजे इनके परिजन वाले शादी में गए हुए थे और शादी में जाने के बाद में तो लोग सब चले गए थे। सुबह 4 बजे की घटना है कि मुझे पता चला कि 4 बजे रात को यहाँ पर मनोहर सिंह जी ने फांसी लगा ली है और फांसी लगाने के बाद में ये तो परिजन थे नहीं कि वो माँ साहब थी, माँ साहब ने आवाज़ दिया, हम लोग उठ के आए, जो देखा तो वो वाकई में एक फंदे से लटके हुए थे। उस बीच में फिर हमने सब बातचीत करके और उनका नंबर गोपाल अग्रा को बुलाया फ़ोन करके, राजू दरबार परिजन थे वो परिवार के, वो भी आ गए थे यहाँ पे। फिर हमने सब देखा तो वाकई में वो फांसी पे लटके हुए थे और बड़ी दुख की बात है कि किस हिसाब से फांसी लगी है। अब उसके लिए पुलिस जाँच कर रही है, देख रही है क्या मामला है। कौन सी जगह घटना है? ये JDC कॉलेज के सामने गली नंबर 1 में वार्ड क्रमांक 7 का पार्षद प्रतिनिधि रईस खान। ऐसा बताइए, अभी कौन सी जगह पर पहुँचे थे आप और क्या घटना करा? JDC कॉलेज गली नंबर 1 में मनोज सिंह पंवार पिता रूप सिंह पंवार उम्र 48 साल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसकी SHL टीम शाजापुर से बुलवाई गई है, तो अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। जांच का विषय है, इस कारण से कुछ नोट्स मिले हैं, जांच के विषय है। बताइए अभी आप कौन सी जगह पहुँचे थे इटावा और क्या था पूरा मामला? थाना सिविल लाइन के अंतर्गत इटावा क्षेत्र में एक मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर से घटनास्थल पहुँचकर घटनास्थल का अति शिक्षितापूर्वक एवं सबका अति शिक्षितापूर्वक निरीक्षण किया गया। घटनास्थल में पाए गए घोषित एवं पारिजनिक साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टिया मृतक की मृत्यु फांसी से होना प्रतीत होती है। मृतक की जेब से सुसाइड नोट प्राप्त हुआ है। मृत्यु के कारणों का पता किया जा रहा है, जो भी तथ्य सामने आए उस पर से अग्रिम कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा IBN 9 पर, आप बने रहिए हमारे साथ। हर खबर का होता है असर, हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। अगर आपको पसंद है हमारी खबर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और आपके पास है अगर कोई विज्ञापन या खबर तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉल करें।